एहसासे कमतरी या पैसा जाया करने का नया तरीका नेमल खावर ने अपनी खूबसूरती क्यों बिगाड़ ली, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल मिस खबरदार को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें और साथ ही ये बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको रोजाना नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। व्यूवर्स, पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की साबका अदाकारा और हमजा अली अब्बासी की अहलिया नेमल खावर खान के चेहरे की सर्जरी ने तो सबको हैरान ही कर दिया। नेमल खावर के हालिया फोटोशूट में उनके चेहरे के जाविये बिल्कुल ही मुख्तलिफ दिखाई दिए, जो उनके चेहरे की सर्जरी के बायस मुमकिन हुआ है। व्यूअर्स, सबका अदाकारा के मद्दाहों ने जब नया फोटोशूट देखा तो सब ही हैरान रह गए कि आखिर एक खूबसूरत नए नक्शों वाली अदाकारा ने अपने साथ ये क्या कर लिया है। व्यूअर्स, कुछ लोगों के तो ये भी सवाल है कि ये एहसास कमतरी है या फिर पैसे जाया करने का नया तरीका। हर किसी ने इनकी तस्वीर पर मुख्तलिफ तबसरे किए। व्यूवर्स, आइए देखते हैं कि लोगों का इनके बारे में क्या कहना था। व्यूवर्स, एक सारिफ पर लिखना था कि अगर नेमल खावर को अपनी शक्ल पसंद नहीं तो हम किस खेत की मूली हैं। खुश शक्ल लोग भी एहसास कमतरी का शिकार हैं। अवैस नामी एक सारिफ लिखते हैं कि नेमल खावर खान की चंद साल पहले की और हालिया तस्वीर में वाज़ह फर्क देखने के बाद यकीन तो लग रहा है कि आजकल अच्छी खासी शक्ल वाले लोग भी एहसास कमतरी का शिकार हैं। अहमद नामी सारिफ लिखते हैं कि कुदरती खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। नेमल खावर, जोजे हमजा अली अब्बासी वैसे चेहरे की सर्जरी से पहले बहुत क्यूट थी। एक और कमेंट में पढ़ने को मिला कि पहले कतरीना कैफ, अब नेमल खावर, खूबसूरत लोगों को भी खुदा अजब वहमात में मुब्तला करता है। सादिया नामी सारिफ ने तंजिया लिखा कि जब आप कुदरती हुसन से मालामाल हों लेकिन आपकी नंद माहिरे कंसल्टेंट पाकिस्तानी डर्माटोलॉजिस्ट हों तो आपको मजीद खूबसूरत दिखने का शौक पैदा हो जाता है और ये इंतहाई अफसोस की बात है। व्यूवर्स, आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि मैं रोजाना आपके लिए ऐसी ही नई नई और चटपटी न्यूज़ लेके आती रहूं तो जल्दी से मेरे चैनल मिस खबरदार को सब्सक्राइब कर दें।